कैसे हो, क्या हाल चाल, कैसे कट रहे हैं दिन? देखो भाई, इंडिया तो लॉकडाउन में तो सब भरपूर बोर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। अब तक आपने जितने भी काम आपको आते होंगे सब कर रखे होंगे। एग्जाम्पल, पंखा कितनी देर में बंद होता है, मैरीगोल्ड बिस्किट में कितने होल होते हैं, एक पैकेट में कितने बिस्किट आते हैं, डेयरी मिल्क कितनी देर में मेल्ट होगी, आपके मिक्सर वाली नमकीन में कितनी कितनी टाइप के मिक्सर होते हैं, और इसके अलावा भी जो फालतू के दो चार काम हो। मतलब अभी दिन ज्यादा हुए नहीं है लेकिन हम लोग काम सारे खत्म कर चुके हैं, तो बचा कौन सा काम है? केवल एक काम कि भाई साहब किताबें उठा लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम्स हुए होने थे वो सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। ठीक, मतलब एग्जाम तो होने ही हैं और होंगे भी, तो देखो इससे अच्छा टाइम तो नहीं मिलेगा दोबारा पढ़ाई करने का, तो बस ट्रैक पे आ जाओ। एक बार ट्रैक पे आ जाओगे तो मस्त स्मूथ पढ़ाई चलेगी, फिर ना बोर होगे, ना दिन बड़ा लगेगा, और यू जो ये टाइम हमारा है यू निकल जाएगा, छुट्टियों में निकलेगा। ठीक है, तो ट्रैक पे लाने के लिए एक टॉपिक से स्टार्टिंग करी है, और स्टार्ट करने के रीजन ये भी है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें। राइट, कि मतलब स्कूल बंद हो गए हैं, हमारी कोचिंग्स बंद हो गई हैं, किताबों से समझ नहीं आता है कुछ, और ऐसे यूट्यूब खोलने का भी मन नहीं करता है, कहीं से क्या पढ़ें। तो जिन बच्चों ने मुझसे बस रिक्वेस्ट किया था, ये उनके लिए भी एक इनिशिएटिव है कि भाई साहब यहाँ से पढ़ना शुरू करो, मतलब एक टॉपिक उठाओ और ट्रैक पे आओ, धीरे धीरे तो स्टार्ट होता जाएगा। अच्छा, तो पहला टॉपिक हमने चुना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वो इसलिए चुना है क्योंकि भाई साहब अगर कोई ऐसा बोरिंग टॉपिक उठा लेते हैं हम कि ऑलरेडी उसमें कुछ रटने जैसा होता, तो वैसे ही इतना बोर हो रखे और बोर होते सब ऐसी तैसी हो जाती। तो ये टॉपिक कैसा है, मतलब अगर मैं बोलूं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप इसे समझो, क्योंकि रटने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, कुछ थ्योरेटिकल है, बाकी सारा एक आप समझो न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप वाला पार्ट है। क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, अच्छे खासे मतलब मैं बोलूं तो किसी भी एंट्रेंस में 2 से 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और मैं बोर्ड्स की बात करूं तो 3 से 5 नंबर का आता है, मतलब एवरेज भी ठीक ठाक है, आता है हर बार, ये श्योर है, और टॉपिक भी अच्छा है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम की बात कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिन लोगों ने 12th के एग्जाम दे दिए या 12th जो कुछ एग्जाम रह गए हैं, या जो ऑलमोस्ट साइंस वालों के तो एग्जाम फिनिश हो चुके हैं अब तक, वो इस चैप्टर के बारे में अच्छे खासे फैमिलियर होंगे, उनमें अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन जिन्होंने 11th से 12th में मूव कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन है। ये 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर। ठीक, ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पढ़ना क्या क्या है जरा देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, मतलब ये टॉपिक फिनिश, चैप्टर फिनिश। इंट्रोडक्शन, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, घबराना नहीं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये वर्नर थ्योरी, यही वो महान साइंटिस्ट है जिनकी वजह से हम ये काम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। ईएएन रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे, लिगेंड्स क्या होता है, चिलेट इफेक्ट, अभी मत सुनो नाम अटपटा है डर जाओगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई साहब 11th क्लास में आईयूपीएसी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी होगी, अगर 11th पास करके आए हो तो पक्का पढ़ी होगी। लेकिन ये वाली आईपीसी जो है ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ठीक है, आइसोमेरिज्म भी पढ़ी होगी 11th में। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली आइसोमेरिज्म। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें बॉन्डिंग कैसी कैसी होती है, तो ऐसी ऐसी बॉन्डिंग होती है, क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वी ठीक, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एलएफटी और एमओटी That means ligand field theory and molecular orbital theory. याद आया? Chemical bonding class 11th. Stability of coordination compound and last one is organometallic compound. ठीक? ये topic खत्म, मतलब chapter खत्म। अब चलो, जब बात कर ली है तो इसकी एक बात और कर लेते हैं। क्या बात करेंगे कि भाई coordination compound जो होते हैं ना वो backbone होते हैं inorganic chemistry के, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के। फिर से सुनना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री।
से एक बात तो बहुत क्लियर हो गई होगी, क्या कि जो हमारा चैप्टर है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है। कैसे कैसे? तीन बातें पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं? कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक में कौन से कंपाउंड आते हैं? क्लास 10th की बात है ये भाई, है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले कंपाउंड। कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड जो आते हैं वो कहां आते हैं? ऑर्गेनिक में आते हैं। अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक में आते हैं। और इन दोनों की जो कैलकुलेशन होती है वो हम फिजिकल में करते हैं। ठीक है बात? मतलब हमारा जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक की ब्रांच में आ रहा है, मतलब इसमें मेटल और कुछ और की बात की है, कार्बन वाले कंपाउंड इतने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है बात। तो पहला क्या नाम लिखा? इंट्रोडक्शन। तो शुरुआत कहां से करेंगे? इंट्रोडक्शन से। चलो इंट्रोडक्शन में क्या बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो हमारी पहली बात है वो ये है कि ये जो कंपाउंड है ना भाई, वो मिलते कहां कहां है, क्योंकि बिना हम ये जाने कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है इनकी, हम कभी भी किसी को भाव नहीं देते। ये बात तो मानते हो, जब तक कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो तब तक हम किसी को भाव नहीं देते हैं। तो बिना इसकी इम्पोर्टेंट जाने इसको भाव नहीं देने का है। ठीक है, भाव सुनो क्या है इसके। अगर बात इंट्रोडक्शन की करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाइडली प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। मतलब प्लांट में भी है, मिनरल्स में भी है और एनिमल में भी है। मतलब इम्पोर्टेंस ठीक ठाक है, इवन अच्छी। ठीक, मतलब भाव देने लायक तो है, दे भाव फिर। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल की। दो चार एग्जाम्पल जानोगे तो भाव ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, क्या इसके बारे में सुना? हाँ, मैथ वाले घबराएंगे थोड़ा सा, लेकिन बायो वाले चढ़ जाएंगे अभी। ठीक है, इसके बारे में सुना है? इसको प्यार से बोलते हैं HB, मतलब हीमोग्लोबिन। क्या होता है हीमोग्लोबिन? रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड। ऐसा ब्लड तो जानते होगे ना, खून है ना। हाँ, रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एक्ट एज, कौन एक्ट एज? ये एक्ट एज जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी ब्लड का जो होता है वो रेड पिगमेंट होता है। और किसकी तरह बिहेव करता है? एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर। मतलब हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कौन करवाता है? ये करवाता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ आया यहाँ पे? तो हीमोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। आयरन सुना भाई? बोलो जल्दी से, देखो क्या होता है आयरन? हाँ वही Fe, ये। ठीक, पीरियड टेबल तो याद होगी भाई, है ना, नहीं याद है तो एक बार पीरियड टेबल के सिंबल देख लो कौन कौन से क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें जो आयरन होता है ना वो आयरन 2+ में होता है। ये थोड़ा ज्यादा ज्ञानी लोगों के लिए है। 2+ क्या मतलब? आयरन अपनी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है बात, हीमोग्लोबिन क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन है। पहले पड़ी बात, एग्जाम्पल मिला लेकिन तुम तो नहीं मानोगे, इससे दूसरा बता रहे। क्लोरोफिल इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ व्हाट? मैग्नीशियम। ठीक, एक और विटामिन B12, और विटामिन B12 को प्यार से हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन। ये जो कंपाउंड है ना भाई वो कोबाल्ट का है। यहां होता है मैग्नीशियम 2+ में और यहां होता है कोबाल्ट 3+ में। ये उतना याद करने वाली चीज नहीं, खाली जस्ट इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया है। आपको याद है क्या करना है इसमें? हाँ, इंट्रोडक्शन में भी चीजें याद करने वाली है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब सुनिए एक बार फिर से जो पढ़ा है उसको हम समराइज करते हैं और ये बातें रटते हैं, फिर इन पे क्वेश्चन करते हैं। समराइज ये किया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना भाई, उसमें एक चीज देखिए, मेटल मिल रहे हैं। ये तो पढ़ा है मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, मेटल मिल रहे हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें मेटल आता है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आता है ना वो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? चलो जरा इमेजिन करो, मान लो कि सामने पीरियोडिक टेबल लगी है। ठीक है, ये इधर एस ब्लॉक दिखा, पी ब्लॉक दिखा, डी ब्लॉक दिखा, एफ ब्लॉक दिखा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, इमेजिन करो
अब एक बात बताओ, इधर एस ब्लॉक दिखा था, इधर पी ब्लॉक दिखा था, बीच में क्या दिखा था? डी ब्लॉक। और किसी के बीच में आने वाली स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो जो बीच में आए मेटल, मतलब डी ब्लॉक के जो मेटल को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किन के लिए ज्यादातर एप्लीकेबल है? ट्रांजिशन मेटल। कुछ होशियार लोग ये ना बोले कि मैग्नीशियम ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो भाई साहब मैंने सब नहीं बोले हैं, मैंने क्या बोले? ज्यादातर बोले हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं फिर। अब याद क्या करना है? याद तुमको ये करना है कि हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलता है, विटामिन बी12 या साइलोकोबालामिन में क्या मिलता है? कोबाल्ट मिलता है। रटो बैठ के जल्दी से, रटो फटाक से, इनमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बताओगे जल्दी से? चलो जल्दी रटो, क्वेश्चन करो फटाक से। ओके, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपनी बातें। क्या बातें थी हमारी? हीमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड, एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम एंड विटामिन बी12 एंड साइनोकोबालामीन। इसमें क्या मिलता है? कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट। रट गई? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ ताकि इनकेस कहीं आपको राइटिंग इश्यू आया हो तो आप लोग वीडियो में सुन के करेक्ट कर लो, इनकेस ऐसा कुछ आया हो या आप समझ ना आ रहा हो। अदरवाइज आंसर आपको देना है, और कुछ टर्म जो क्रिटिकल लग सकते हैं उनका एक्सप्लेन करूंगी। आंसर आप दोगे सारे क्वेश्चन से, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाना भी। पटाखे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसी नंबरिंग पड़ी है। हाँ, 5 वाला भी आएगा इसके बाद। ओके, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रोल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। 2013 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ये पूछ रहा है आपसे कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसका बायोलॉजिकल रोल समझा दो और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता दो। तो अभी तक वीडियो अगर आपने ठीक से देखा है, प्रॉपरली ध्यान लगा के सुना है मेरी बातें, तो एक चीज आपने नोटिस की थी, मैंने आपको बोला था कि हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन क्या है? रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड है, और किसकी तरह यूज होता है? ऑक्सीजन कैरियर की तरह यूज होता है, बोला था मैंने आपको। तो आप उस सारे क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर सकते हो जो मैंने आपको लाइन बोली है। उसके बाद आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम। जल्दी बोलो फटाक से आंसर दो इसका। नेम द सेंट्रल आइटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। बोलो बोलो जल्दी बोलो, अभी तो रटा था, भूल गए थे जल्दी। चलो आंसर दो फटाक से इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि क्वेश्चन जो आया हुआ है वो जेई मेन 2004 में आया हुआ है। ये वाला भी 2000 मेडिकल में आया था, और ये वाला भी 2013 बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंशन नहीं किया है मैंने, 2013 बोर्ड का क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान देना, भगड़ा के ना एक करेक्ट कौन सा ढूंढ लेते हो, है ना। गलती नहीं करनी, एक्साइटेड नहीं होना है। अगर आपको आता है फिर भी आराम से पढ़ना है क्वेश्चन, और फिर करना है इतना आराम से, नहीं क्वेश्चन की टाइम चला जाए। हर एक वर्ड को ध्यान से देखो क्या पूछा है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट। चलो, क्लोरोफिल हैज ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट एंड कंटेन कैल्शियम। क्लोरोफिल आपने सुना होगा, इवन बचपन में भी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, तो आपने नाम ना सुना है। तो ये लाइन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ नई बात है, राइट। 10th में भी सुना है, 11th में भी सुना है, हर जगह सुनते चले आए हो। बायोलॉजी वालों को स्पेशली रट रखी होगी ये वाली बात। तो क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड होता है। रट गई दोनों बातें? ठीक है, रट गई, तो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। याद है ना बात? याद रखना, वो भी आ सकता है कहीं ना कहीं। कंटेन कैल्शियम, भाई साहब गड़बड़ है, ध्यान देना। बाकी आपके लिए ये टर्म थोड़ा नया है, क्योंकि ये दो चीजें मैं बोल चुकी हूँ आपको। कार्बोक्सी पेप्टाइड ए, देखो एक टाइप का एंजाइम होता है, डरने वाली बात नहीं, खाली ऑप्शन में है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कार्बोक्सी पेप्टाइड ए इज एन एंजाइम एंड कंटेन जिंक। कार्बोक्सी पेप्टाइड ए में जिंक होता है, ये वाली बात बस है ऑप्शन में, तो ध्यान रख लेनी है। ठीक है, डन। जल्दी से फटाक से इन सब की क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं चेक करती हूँ किसने कितने सही आंसर दिए। चलो मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 के आंसर कमेंट में जल्दी दे दो फटाक से। मैच द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन कॉलम 1 विद द सेंट्रल मेटल आइटम गिवन इन कॉलम 2 द सेकेंड एंड असाइन द करेक्ट कोड। मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कोड फॉर्म में दिए हुए हैं, राइट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और तुमको तो भाई सब पता है एनसीईआरटी कौन है, हमारे लिए भगवान है, उसके सारे क्वेश्चन तो एकदम टिप पे होने चाहिए आपके। ठीक है,
कॉलम वन में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हुए हैं कुछ। और कॉलम टू में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, मतलब इन सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सा मेटल यूज हुआ है, मैच करो और आंसर टेक करो। ठीक है, क्लोरोफिल पता चल गया तुमको, ब्लड पिगमेंट 25 बार लाइन बोल चुकी हूँ भाई साहब कि कौन है, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन है। विल्किंसन कैटलिस्ट, देखो विल्किंसन कैटलिस्ट आपके बारे में नया होगा, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन का वो जो पहला वाला जो बोर्ड पूरा सजा रखा था बेहतरीन रूप से, उस पर लास्ट वाला पॉइंट देखा होगा, तो मैंने वहां पर लिखा था ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के बारे में लिखा था ना, ये वही पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन में आया है तो बात कर लेते हैं कि विल्किंसन जो कैटलिस्ट होता है उसमें रोडियम मेटल होता है, रोडियम क्या है, RH। ठीक के बाद विल्किंसन क्या होता है, रोडियम, मतलब विल्किंसन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिकली मैं इसको बोलूं तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ठीक है, उसमें क्या आता है, रोडियम आता है, ये मैंने बता दिया है, बाकी आपने सब पढ़ रखे हैं, आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, जल्दी से क्रॉस करो और ऑप्शन ढूंढो कौन सा तुम्हारे मतलब को ऑप्शन है, फटाक से कमेंट में सारे के सारे आंसर लिखो बढ़िया से। अच्छा, आज बात इतनी कर रहे हैं लेकिन इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अभी हमने बात की नहीं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उनके अंदर क्या आता है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रही थी, इसलिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट टू है वो हम आगे करेंगे। तब तक इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बढ़िया मस्त रहो, ट्रैक पे आ जाओ, पढ़ाई करो, बाय बाय।